अधिकारी ने मास्क फोर्स को दिखाई हरी झंडी। आज राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर की एनएसएस की टीम ने मानिकपुर तहसील परिसर में मास्क बैंक की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन उप जिलाधिकारी संगमलाल गुप्ता, प्राचार्य दुर्गेश शुक्ला ने किया। मास्क फोर्स मास्क बैंक को उप जिलाधिकारी मानिकपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजकीय महाविद्यालय की एनएसएस की टीम ने लगभग 500 मास्क तैयार कर मानिकपुर तहसील के बगेचा पुरवा दाढ़ी कॉलन दो गोद लिए गाँव में मास्क का निःशुल्क वितरण किया। वहीं राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर के एनएसएस के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर हेमंत कुमार बघेल ने बताया कि झांसी विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने मास्क बैंक का निर्माण किया है और आज हम लोग मास्क कोर्स के अंतर्गत अपने वॉलंटियर को लेकर के जगह जगह मास्क के वितरण कर रहे हैं और जो गाँव हमने गोद लिया था वहाँ जाकर हम लोगों ने उनको भी मास्क वितरण किया और उनको सोशल डिस्टेंस साफ सफाई से रहने के लिए भी समझाया। क्या कर रहे हैं और किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं लोग? देखिए, ऐसा हम लोग जो है राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर जनपद चित्रकूट से, मैं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हेमंत बघेल, हम लोगों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति महोदय के निर्देशन पे एक मास्क बैंक का निर्माण किया है और आज हम लोग मास्क फोर्स के अंतर्गत अपने वॉलंटियर्स को लेकर के जगह जगह मास्क वितरण कर रहे हैं और ये मास्क वितरण हम लोगों ने चिन्हित किया है जो हम लोगों ने गाँव गोद लिए थे उन दोनों गांवों को, बगीचा पुरवा और डाणी कोलान को। तो हम लोग यहां पर आए हैं, इन लोगों को मास्क वितरण किया है। मास्क वितरण करने के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी इनको थोड़ा बहुत जागरूक किया कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरी बात साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये बीमारी साफ़ सफाई में जो है साफ़ सफाई रखने से इससे बचा जा सकता है। छुआछूत की बीमारी है, थोड़ा दूरी बनाए रखें और एक दूसरे से दूरी बनाने के साथ ही साथ जो है मास्क का भी उपयोग इन लोगों को हमने बताया है कि आवश्यक रूप से करें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर जाएं।